गाने में ऑलरेडी काफी कुछ हो चुका होता है, काफी हार्डवर्क जा चुका होता है गाने के पीछे. सो मनोज जी एंड तनिष्क, यू गाइस हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब सर फॉर मॉनिटरिंग दैट होल थिंग. इट्स अमेजिंग. एंड जब एमी भाई उस पर आते हैं, मतलब he's like the king of lip syncs when he's like there, he's like on the screen. It's such an amazing experience to see him do this beautifully on the screen. Happy birthday and lots of love. With audio again, a lot of songs and बहुत सारा space, बहुत सारी चीजें आप create कर रहे हो. What's your not exactly letting the strategy out, but फिर भी थोड़ा सा. The thing is, ये lockdown में singles के लिए बहुत एक अच्छा platform और एक म्यूजिक लेबल्स को स्पेशली हमें एक कॉन्सेंट्रेशन करने का आर्टिस्ट के लिए एक वक्त मिल गया. तो उस दौरान जो जो मैंने गाने बनाए हम लोगों ने पूरी टीम के साथ मिलके, और फिल्मों का म्यूजिक तो आ नहीं रहा था, तो इसलिए लोगों को एंटरटेन करने के लिए आपको किसी तरीके से तो करना है. तो सिंगर्स की तो लॉटरी लग गई ही, तो उनके इसका लाइक हमें सिंगर्स करने के लिए आर्टिस्ट को बोलना पड़ता है, यार अभी हमारा फिल्म म्यूजिक आ रहा है तो आपका भी रुक के करते हैं, छः महीने बाद करेंगे, एक साल बाद करेंगे. तो अभी इसके ऑल टुगेदर आई गेस कितने 10 या 12 सिंगल पूरे साल में आ गए हैं. इनसे इट इज म्यूचुअल, क्योंकि हमें भी ज़रूरत थी और इनको भी इतने सारे गाने मिल गए, और लकली सारे गाने इसके सुपर डुपर हिट हुए. तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम कि द काइंड ऑफ सॉन्ग्स वी मेड एंड देन उसने अपनी आवाज़ में किए एंड देन लॉट ऑफ देन वी पिक्चराइज्ड ऑन हिम एंड दिस इज नेल इन द कॉफिन एक्चुअली बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट सॉन्ग विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ जुबिन नौटियाल एंड इमरान हाशमी टुगेदर. इट इज कहते ना मीन्स आग और पेट्रोल का काम हुआ है, दोनों चीज़ें मिक्स होके जिस तरीके से ये लिरिक्स लिखे मनोज ने और तनिष ने, उसको इतने अच्छी तरीके से कंपोज किया, एंड विनय राधिका ने जिस तरीके से गाने को शूट किया है, इट इज़ वेरी गुड. एंड दिस इज मीन आई कैन प्राउडली से दिस इज़ आवर बिगेस्ट सॉन्ग. मीन्स आई कांट सी एनी अदर सॉन्ग अभी तक जो इतना फास्ट, इतने नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे और प्लस यूट्यूब पे इतने सारे स्ट्रीम. Yes, reels, TV, radio station, everywhere it is doing the numbers which we have never heard.